हेलो एवरीवन। और आज हम हमारा वीकली करंट का जो है नया वीडियो लेकर आ गए हैं। 5 से 12 सितंबर के बीच की जो है हम बात करेंगे, और उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथ ही जो है अभी अनाउंसमेंट जैसा हो गया है, साथ ही फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, जिसमें आपका जो सहकारिता विभाग है उसकी ओपनिंग आ चुकी है। तो जल्द ही उसके संबंध में भी हम कुछ वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो फिलहाल तो अभी हम करंट के लेक्चर पे केंद्रित रहते हैं, और देखते हैं क्या बात रही 5 से 12 सितंबर के बीच में, क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहे। तो सबसे पहले आसियान समिट हुआ। आसियान का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, और ये जो है कुछ 10 देशों का समूह है, और इसकी जो है अभी बैठक हुई थी। इसमें भारत ने भी हिस्सेदारी ली थी। भारत और आसियान और भारत का जो एक साथ में शिखर सम्मेलन भी होता है, जिसमें भारत ने जो है उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा यहाँ पर जो है 18वां ईस्ट एशिया समिट भी होता है, इसे ध्यान रखेंगे, 18वां ईस्ट एशिया समिट या फिर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी जो है हिस्सा लेने कौन गए, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। और ये कब हुआ था तो ध्यान रखेंगे, 6 और 7 सितंबर, 9 और 10 सितंबर को हुआ हमारे देश में G20 समिट, और वहीं 6 और 7 सितंबर को हुआ हमारे यहाँ आसियान शिखर सम्मेलन। हमारे यहाँ नहीं हुआ, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया की यात्रा की हमारे यहाँ से नेतृत्वकर्ता कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और ये 20वां जो है आसियान भारत शिखर सम्मेलन था, ध्यान रखेंगे, भारत आसियान शिखर सम्मेलन 20वें नंबर का था, वहीं 18वें नंबर का था आपका पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, तो ध्यान रखेंगे। और इसकी मेजबानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुई। इसके अलावा हम देख लेते हैं आसियान, तो आसियान ध्यान रखेंगे पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है, या फिर क्षेत्रीय संगठन कह सकते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल समूह है, एसोसिएशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और इसका सचिवालय या हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही है। तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और जकार्ता में ही जो है इस वर्ष इसका आयोजन किया गया था। ठीक, तो इसमें हम आगे देखते हैं ये क्या है ऐसा संगठन। तो ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए से जो है भारत का आसियान देशों के साथ संबंध जो है महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ जो 10 देशों का समूह है, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे, आसपास में स्थित जो है कुल 10 देश हैं, जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया और अन्य जो आसपास के कंबोडिया, वियतनाम, ऐसे जो कुछ मिलाकर 10 देश हैं, इनका ये समूह है। और इनके साथ जो है अच्छे संबंध रखना भारत के हित में है। भारत आसियान के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौता है भारत का, जिसे कहते हैं हम FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत का आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। इसके बाद देखते हैं कमर छठ त्योहार। तो अभी हाल ही में आपको पता है हल छठ या कमर छठ त्योहार मनाया गया, और हल षष्ठी को मनाया जाता है, इसे हल षष्ठी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का यह प्रमुख त्यौहार है। माता के द्वारा अपनी संतान के लिए ये जो है उपवास किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हमारे 30 त्यौहार हैं, इनकी तिथि या पर्टिकुलर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो इनकी तिथि है ये पूछी जाती है। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ के में जो है भादो माह में या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को, मतलब 6th डे को, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, वैसी कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जो है कमर छठ का त्योहार मनाया जाता है। महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। तो इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कमर छठ कब मनाया जाता है। आगे देखते हैं और क्या नया टॉपिक है। US ओपन 2023। तो US ओपन कल ही जो है न्यूज में हमने देखा है कि नोवाक जोकोविच ने इसको जीत लिया सिंगल मेंस में। तो यूएस ओपन जो है टेनिस से संबंधित एक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। तो ये कुल मिलाकर हम देखें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इस क्रम में सबसे पहले ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद होता है हमारा फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है हमारा विंबलडन, और उसके बाद होता है यूएस ओपन। तो ये याद रखेंगे क्रम। और इसमें जो ये साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन, जो कि यूएस में इसका आयोजन होता है, और
हर साल क्वींस न्यूयॉर्क में इसका आयोजन होता है, तो ध्यान रखेंगे। विंबलडन का आयोजन ब्रिटेन में होता है, फ्रेंच तो नाम से समझ में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी नाम से समझ में आ रहा है, ध्यान रखेंगे। फ्रांस ओपन जो फ्रेंच ओपन होता है ये मिट्टी के कोर्ट में खेला जाता है, वहीं पर विंबलडन जो है ये खेला जाता है ग्रास या घास के कोर्ट में, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन और यूएस ओपन, तो यूएस ओपन का जो है 28 अगस्त से 10 सितंबर तक के न्यूयॉर्क में आयोजन हुआ था, और ओपन टेनिस चैंपियनशिप या यूएस ओपन भी कहा जाता है इसे, ठीक। और डेट याद रखेंगे 28 से कब तक। और सर्बिया के जो प्लेयर हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, इनने इतिहास रचते हुए जो है इस साल जो है पुरुष की एकल खिताब जीता है। इतिहास इस सेंस में हो गया कि इनने जो है ये यूएस ओपन का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के तौर पर हो गए पुरुषों में। इसके अलावा जो है इनने जो है इस साल अभी तक के यूएस ओपन के 4 खिताब जीते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो इनकी कुल ग्रैंड स्लैम की संख्या जो है रिकॉर्ड हो चुकी है 24 सर्वाधिक, ध्यान रखेंगे। पुरुषों में जो है इनका सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड हो चुका है। और साल 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, विंबलडन छोड़कर जो है 4 में से 3 जो है चैंपियनशिप किनके द्वारा जीती गई है, तो नोवाक जोकोविच कहाँ से हैं, सर्बिया से हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 में से 3 इन्हीं ने जीती है। आगे देखते हैं आदित्य L1 इसरो, तो ये वाली न्यूज़ पुरानी है, हम लोग कवर करना भूल गए थे लास्ट वीक वाले वीडियो में, तो इसे अभी हम कवर कर रहे हैं। आदित्य L1 इसरो ने जो है अपना एक नया सूर्य मिशन आदित्य L1 के नाम से लॉन्च किया है। आदित्य L1 के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, ज्ञानवर्धक है, जरूर देखिएगा। तो 2 सितंबर को जो है लॉन्च किया गया था इसका 11:50 पर, और ये श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और ये जो है सन का मिशन है, और इसको कहाँ पर रखा जाएगा, लैग्रेंज पॉइंट पे रखा जाएगा, ये मैंने बताया है हमारे वीडियो में। खास तौर पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है अगर कोई भी चीज़ को स्थापित कर दिया जाए तो दोनों चीज़ की ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो उसी स्थान पर रहता है, और बिना किसी बीच में रुकावट के जो है कंटिन्यू जो है सूर्य की मॉनिटरिंग कर सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ये 15 लाख किलोमीटर जो है दूर स्थापित किया जाएगा पृथ्वी से। इसके अलावा जो एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखेंगे, PSLV C57 रॉकेट या फिर जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है, ध्यान रखेंगे PSLV C57। ठीक, आगे बढ़ते हैं। FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना की गई थी पुणे में स्थित है, और पूर्ववर्ती प्रभात स्टूडियो के परिसर में इसकी स्थापना की गई थी। फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है उसका कोर्स होते हैं यहाँ पर, और इसके जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन, आर माधवन। आर माधवन ध्यान रखेंगे, खास तौर पर लास्ट ईयर जो इनकी पिक्चर आई थी रॉकेटरी दी नंबी इफेक्ट, तो रॉकेटरी जो दी नंबी इफेक्ट जो इनकी मूवी आई थी इसके लिए, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, रॉकेटरी जो इनकी मूवी आई थी दी नंबी इफेक्ट, एक हमारे देश के ही साइंटिस्ट हैं नंबी नारायण, उनके ऊपर जो है आधारित थी ये फिल्म, सॉरी। और इसे जो है राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, और बेस्ट फीचर फिल्म के तौर पर इसे राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेशनल अवार्ड मिला है नंबी इफेक्ट, माफ कीजिएगा, रॉकेटरी दी नंबी इफेक्ट मूवी को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक। और आर माधवन अब FTII के नए अध्यक्ष बन गए। शुष्क दिवस या ड्राई डे, तो कृष्ण जन्माष्टमी या अभी जो 7 सितंबर को आया था इस मौके पर पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा जो है शुष्क दिवस घोषित किया गया, समस्त देशी और विदेशी मदिरा दुकानें सारी जो है इसमें बंद कर दी गई थी। आगे देखते हैं, और तो छत्तीसगढ़ का यूट्यूबर विलेज ध्यान रखेंगे, तुलसी नेवरा कहाँ पर है, तो ये रायपुर जिले में आता है तुलसी नेवरा ग्राम। इस गांव में 4,000 की आबादी, और उसमें से 2,000 से अधिक लोग जो है यूट्यूबर हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, यह भी एक खास बात है कि
तकनीक जो है हमारे देश में किस डेप्थ तक पहुंच चुकी है। हर कोई व्यक्ति के पास जो है तकनीक उसके हाथ में स्थित है। तो पूरे गांव के यूट्यूबर्स को सपोर्ट करने के लिए प्रशासन द्वारा जो एक स्टूडियो बनाया जा रहा है, जो कि हमर फ्लिक्स, जैसे नेटफ्लिक्स वैसी हमर फ्लिक्स स्टूडियो के नाम से इसका शुभारंभ किया गया है। ध्यान रखेंगे, तुलसी नेवरा। ठीक, आगे देखते हैं। इसी में देश का पहला यूपीआई एटीएम। तो यूपीआई के माध्यम से हम अभी वर्चुअली मनी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन हमको जो है अगर पैसा निकालना है एटीएम से तो उसके लिए हमको कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, डेबिट कार्ड का। तो अभी देश का पहला यूपीआई आधारित एटीएम राजधानी में जो है दिल्ली में मंगलवार को शुरू किया गया। भारतीय और जापानी कंपनी दोनों के सहयोग से जो ये कार्डलेस एटीएम, यहाँ पे कार्ड की भी जरूरत नहीं है, आप वहां स्कैनर जो भी होगा उससे आप जो है स्कैन करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। बिना कार्ड के जो है इसका उपयोग करके कई खातों से नकदी पैसा निकाला जा सकता है। तो पहला कहाँ बना है? नई दिल्ली में, भारतीय और जापानी कंपनी के सहयोग से। अगला देखते हैं क्या बात कर रहा है, कल्चरल कॉरिडोर। तो अभी जो हमारा भारत मंडपम बना प्रगति मैदान में, जहां पर G20 का आयोजन किया गया था, यहाँ पर जो है पूरे जितने भी G20 के प्रमुख देश थे उनकी संस्कृति को दिखाने के लिए, उसका प्रदर्शन करने के लिए कई सारी चीजें बनाई गई और एक कल्चरल कॉरिडोर का निर्माण किया गया। यहाँ पर जो है हमारे प्राचीन धरोहर पाणिनि की, अष्टाध्यायी की कई सारी राइटिंग, 10वें मंडल की, ऋग्वेद की, हमको 10वें मंडल की राइटिंग्स मिल जाती है। इसके अलावा जो ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा आया, जिसके आधार पर हम बोलते हैं कि पूरे विश्व में अधिकारों राइट्स की बात आई, तो उसकी भी कॉपी लगाई गई है। अमेरिका का जो चार्टर ऑफ फ्रीडम है, जिससे हम कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हमारा प्रीएम्बल इंस्पायर्ड है, वो भी जो है इससे ही लिया गया, वो भी यहाँ पर लगाया गया। इसके अलावा चीन का जो है एक ढक्कन वाला जार और फ्रांस की जो है पेंटिंग मोनालिसा की, ये सब की जो है छवि वहां बनाई गई है। तो एक कल्चरल कॉरिडोर वैश्विक आधार पर जो है प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है G20 में, जैसा कि थीम थी वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो उसे प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। आगे देखते हैं इसी में और क्या है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ध्यान रखेंगे, अभी पास में ही जो परीक्षा आने वाली है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 1966 से जो यूनेस्को ने इसको मनाना चालू प्रारंभ किया है, और इसी के उपलक्ष्य में जो है वर्ष 2022 से 27 के बीच में भारत में भी न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक जो है नई योजना चलाई जाएगी। ध्यान रखेंगे कौन सी, न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम। और इसमें जो है प्रौढ़ शिक्षा शब्द की जगह सभी के लिए शिक्षा के रूप में बदल दिया गया है। ध्यान रखेंगे 2022 से 27 के बीच में प्रौढ़ शिक्षा की जगह सभी के लिए शिक्षा। इसके अलावा लिटरेसी डे जो हमारा हुआ 2023 का, उसकी एक खास थीम थी, ध्यान रखेंगे, परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना और टिकाऊ शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना। ध्यान रखेंगे ये थीम का। और 2023 में कौन से नंबर का मनाया गया, तो 58वें नंबर का लिटरेसी डे मनाया जा रहा है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 58वें नंबर का मनाया जा रहा है। तो 8 सितंबर को बात हो गई क्या, इंटरनेशनल लिटरेसी डे या साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ध्यान रखेंगे इसे। चलिए आगे देखते हैं और क्या खास है। तो आगे है मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। तो ये ध्यान रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। 20 अगस्त 2023 को गौवंश चिकित्सा यूनिट की शुरुआत की गई है। जो भी गौवंशीय हैं उनकी चिकित्सा के लिए एक मोबाइल यूनिट जैसा शुरुआत की गई है। उसका हेल्पलाइन नंबर बताया गया है कितना, 1962। तो ध्यान रखेंगे कब से शुरुआत हुई है, 20 अगस्त 2023 से, और हेल्पलाइन नंबर भी 1962। ठीक, आगे देखते हैं क्या खास है, G20 शेरपा। तो G20 में जो है जो भी सदस्य देश रहते हैं उनका एक प्रतिनिधि रहता है, जिसे कहा जाता है साधारण शब्दों में शेरपा, या प्रतिनिधि को ही शेरपा कहा जाता है। शेरपा शब्द जो है नेपाली भाषा से लिया गया है।
तो दिल्ली में जो G20 समिट हुआ अभी, उसमें भारत की तरफ से शेरपा श्री अमिताभ कांत जी थे। ध्यान रखेंगे, G20 संबंध में सारी चीज इंपॉर्टेंट है, अमिताभ कांत जी थे। अमिताभ कांत जो है भारत द्वारा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, जिसे बोला जाएगा CEO हैं। और इसके पूर्व ये जो है औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग के भी जो सचिव रह चुके हैं। शेरपा G20 में शेरपा सदस्य देशों के नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं, जो मैंने कहा है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। और शेरपा सम्मेलन में अपने नेताओं को बातचीत में मदद करते हैं, टेक्निकल इनपुट देते होंगे। नेपाल में प्रचलित शेरपा से लिया गया है नेपाल के। और इंटरनेशनल समिट में शेरपा जो है गाइड जैसे ही होते हैं। जनरली आपने जैसे देखा होगा माउंट एवरेस्ट में भी अगर चढ़ते हैं तो शेरपा साथ में जाते हैं, तो उन्हें गाइड ही कहा जाता है। तो वैसे ही जो है इंटरनेशनल समिट भी अगर है तो उसमें शेरपा गाइड जैसे ही कार्य करते हैं कोई भी इंटरनेशनल समिट में। आगे देखते हैं, इसमें भारत में जो है हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों, शासन अध्यक्षों, मेहमान नवाजी के लिए जो है अनुरूप पूरी अपण्यता के साथ की जाएगी। और लास्ट चीज जो बोल रहा है, बस्तर के रिस्पेक्ट में है, इम्पोर्टेंट है ये वाला, जरूर ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा जो है बस्तर में उत्पादित मिलेट से बने प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट या फूड उत्पाद जो है, आपके खाद्य उत्पाद हैं जैसे लड्डू, बिस्किट, ये सब जो है नई दिल्ली को 9 और 10 सितंबर को इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है, जरूर ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग द्वारा जो है खाद्य उत्पादों के लिए खास तौर पर मिलेट से बने लड्डू व बिस्किट वहां प्रदर्शित किए गए 9 और 10 सितंबर को। अब G20 से ही रिलेटेड है, क्या हो रहा है, भारत संगीत दर्शनम, तो एक खास चीज जो है आयोजन कराया गया यहाँ पर सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन में एकमात्र सांस्कृतिक आयोजन हुआ है ना, भारत संगीत दर्शनम, ये उसे नाम दिया गया, एकमात्र जो है कल्चरल इवेंट हुआ। और संगीत नाटक अकादमी ने जो है इस कार्यक्रम को क्या नाम दिया था, तो गंधर्व अतोद्यम भारत वाद्य दर्शनम, ध्यान रखेंगे ये नाम भी, किसने दिया, संगीत नाटक अकादमी, उसी के द्वारा ये कराया गया। इसमें जो परफॉर्मेंस हुई तो राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के दौरान जो है इसमें प्रदर्शनी हुई। इसमें लगभग 78 कलाकार भारत के और 78 पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ जो है पार्टिसिपेट किए। और इसमें जैसा कि होता है संगीत में विलंबित मतलब स्लो स्टाइल में जाता है, मध्य मतलब मीडियम पेस में गाते हैं, और द्रुत काफी तेज गति में जो भी म्यूजिक परफॉर्मेंस होता है, तो विलंबित, मध्य और आपका द्रुत, फास्ट, तीनों स्टाइल में होगा। और इसमें जो खास तौर पर जो है भाग लिया गया, तो पहला हिस्सा संतूर व सारंगी के द्वारा जो है राग मलिका से शुरुआत की गई, कई सारे राग होते हैं तो संतूर और सारंगी से। दूसरा में राग बिहाग और राग दरबारी, ये बिहारी होगा मेरे ख्याल में। तो ये सारे जो है राग, तीन राग जरूर ध्यान रखेंगे जिसका जो है वहां पर प्रस्तुतिकरण किया गया, तो राग मलिका, राग बिहाग और राग दरबारी, तो ध्यान रखेंगे। G20 संगीत के लिए भारत संगीत दर्शनम यहाँ पर एकमात्र कल्चरल इवेंट हुआ, कब, राष्ट्रपति द्वारा जो रात्रि भोज हुआ था उसमें। आगे देखते हैं, जापान ने भी अब जो है मून मिशन भेज दिया है, और वहीं जापान की जो स्पेस कंपनी है उसे बोला जाता है जाक्सा, तो ध्यान रखेंगे इसने भी अपना मून मिशन भेजा है। और ये रोबोटिक लैंडर के साथ इसमें एक्सरे टेलीस्कोप और रहेगा, साथ में एक लैंडर भी होगा, रोबोटिक लैंडर होगा और साथ में एक जो है एक्सरे टेलीस्कोप है। और इसकी लैंडिंग कब हुई होगी, तो 24 फरवरी को होगी। इसका पूरे प्रोग्राम का नाम रखा गया स्लिम। और ये जो साउथ जापान के तनेगाशिमी अंतरिक्ष सेंटर से जो है इसको लॉन्च किया गया था, और इसमें जो मेन रॉकेट बनाने का काम किया है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री जो कंपनी है उसने इसका निर्माण प्रारंभ किया है। और ये जो पूरा स्लिम प्रोजेक्ट था, इस स्लिम प्रोजेक्ट को मून स्नाइपर भी कहा गया, तो ध्यान रखेंगे। जापान ने भी जो अभी मून मिशन भेजा है, स्लिम जरूर ध्यान रखेंगे या मून स्नाइपर, ये शब्द जरूर ध्यान रखेंगे जो जापान के द्वारा भेजा गया मिशन है। ठीक, 24 फरवरी के आसपास पहुंचेगा।
G20 अब आने वाले समय में G21 हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी जो है इसमें जो स्थायी सदस्यता दी गई है। अब इस संगठन में कुल जो है स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई है। जरूर से देखेंगे बी की 20 पहले कौन से स्थायी सदस्य थे, और अब ये G21 कहा जाएगा, और G20 की अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गई हैं। ध्यान रखेंगे जैसे कि अभी हमारे रायपुर में भी होने वाला है 18-19 सितंबर को, तो ऐसे जो है 60 स्थानों में कई 200 से ज्यादा बैठकें हुई हैं। 18वां G20 समिट के दौरान जो है 20 सदस्य देश, ये जरूर ध्यान रखेंगे, 9 अतिथि देश। ये कौन से 9 अतिथि देश थे कमेंट में करके बताएं, कौन से 9 अतिथि देश थे जिसको भारत ने खासकर पर बुलाया था। जैसे एक तो मैं बता रहा हूं बांग्लादेश ही था। फिर 14 इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी बुलाया था, उनके जो भी लीडर या फिर डेलीगेशन है सबको नई दिल्ली में बुलाया गया था। तो 20 देश, 9 अतिथि देश, 14 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कमेंट करके बताना है 9 अतिथि देश या फिर 9 गेस्ट नेशन कौन से थे जो भाग लिए 18वें G20 समिट में। ठीक, आगे देखते हैं इसी में। बस्तर का जो मिलेट और रागी लड्डू जो भेजा गया, जिसकी प्रदर्शनी लगी थी, और इसमें बस्तर जिले के बस्तर नार की संगीता कश्यप और कांकेर जिले की निर्मला इस प्रदर्शनी में शामिल हुई थी। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों के नाम, संगीता कश्यप और निर्मला जी जो है इसमें शामिल हुई थी। ठीक, आगे मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। तो हमारा जो अभी जैसे एक चाइना का वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव चल रहा था, जो एक सिल्क रोड बनाने का उनका इनिशिएटिव था, तो उसी को लगभग काउंटर करते हुए G20 में भारत ने भी एक जो है मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाया है। तो इस कॉरिडोर में जो है भारत मिडिल ईस्ट और इंडिया रेल और शिपिंग कॉरिडोर से जो है इसको जोड़ेगा, रेल और सॉरी इंडिया मिडिल ईस्ट को जो है रेल और शिपिंग कॉरिडोर से जुड़ जाएगा, और इसको नाम क्या दिया जाएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये नाम, IMEEC, सॉरी EEEC को लेकर जो है बैठकों में साइन हुआ है। तो इसमें यूरोप के जरिए जो है रेल लाइन से मिडिल ईस्ट के देशों से जोड़ा जाएगा। यूरोप से जैसे आप देखेंगे अगर वर्ल्ड का मैप, तो ग्रीस से लेके लगभग जो है आपका मिडिल ईस्ट देश जो होंगे, जैसे कि आपका सऊदी अरब हो गया, या फिर वहां पर स्थित जॉर्डन और जो कुछ देश है वहां से जो है लिंक, रेलवे लिंक बनेगी, और भारत के साथ जो है समुद्री मार्ग से जोड़ा जाएगा मिडिल ईस्ट को। इसमें जो है ये जरूर ध्यान रखेंगे कि भारत, UAE, सऊदी और यूरोप जो है आपस में जुड़ जाएंगे रूट के माध्यम से, रेल रूट या शिपिंग रूट इसके द्वारा जुड़ जाएंगे। भारत के मुंबई पोर्ट से जो है सऊदी अरब अमीरात के दुबई के लिए जो है जेलेब अली पोर्ट तक समुद्र मार्ग बनेगा। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंध में जो है आने वाले समय में जरूर ध्यान रखें क्या क्या गतिविधियां होती हैं। ये कितना होगा, तो लगभग 6,000 किलोमीटर लंबा, जिसमें 3,500 किलोमीटर जो है आपका क्या होगा, समुद्री मार्ग होगा। 18वां G20 समिट जो है, 18वां G20 समिट का मेजबान भारत जो है रविवार 10 सितंबर को G20 की कमान या फिर गैवल कहा जाता है, एक हथौड़ा जैसा दिखेगा जिसमें जब अपनी अगली प्रेसिडेंसी किसी और देश को दी जाती है तो गैवल या कमान जो है किसे सौंपी है, तो ब्राजील को। तो ध्यान रखेंगे 19वां G20 समिट कहाँ होगा, तो ये ब्राजील में होगा, ध्यान रखेंगे 19वां G20 समिट। और ये अब वैसे भी G21 हो जाएगा, ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक, आगे देखते हैं आर आदित्य। आर आदित्य बिल्कुल नाम याद रखेंगे, ये रायपुर के जो आर आदित्य हैं ये सिमुलेशन प्रोजेक्ट मैनेजर थे चंद्रयान 3 मिशन में, रायपुर के निवासी हैं इनका नाम, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आर आदित्य जी, चंद्रयान से संबंधित है ना मार्स, और ये खास तौर पर इसरो के साइंटिस्ट हैं, सिमुलेशन प्रोजेक्ट मैनेजर। मार्च 2024 में इसरो अपने जॉइंट प्रोजेक्ट निसार को लॉन्च करेगा, और इसमें आर आदित्य इसमें भी जो है प्रोजेक्ट
मैनेजर रहेंगे, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आर आदित्य इनका नाम, रायपुर के निवासी हैं, चंद्रयान 3 से संबंधित थे। आगे राम कोला एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो राम कोला सरगुजा जिले में स्थित है। यहाँ पर जो है आपको, आपने न्यूज़ में सुना होगा खास तौर पर कि बहुत सारा एलिफेंट या हाथियों से संबंधित कुछ ना कुछ वहाँ पर आतंक होते रहता है, कुछ ना कुछ हाथी या दंतेल जो है उस क्षेत्र में आतंक मचाते हैं, तो एक रेस्क्यू सेंटर वहाँ पर बनाया जा रहा है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे प्रथमेश जावकर भारतीय तीरंदाज हैं, तो आर्चरी वर्ल्ड कप हाल ही में आयोजन हुआ है इसका, कहाँ पर, भारत के आयोजन हुआ था, और इसमें भारत के जो है प्रथमेश जावकर ने जो है कंपाउंड आर्चरी में सिल्वर मेडल जीता है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्रथमेश जावकर जो है इनने कंपाउंड आर्चरी सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड कप आर्चरी में, यानी आपका जो तीरंदाजी की कंपटीशन है। ये पूछ सकता है ऐसा आने वाले परीक्षा में कि अभी हाल ही में भीषण भूकंप कहाँ पर आया, अर्थक्वेक कहाँ पर आया, तो मोरक्को का जो चौथा सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम है माराकेश, यहाँ पे 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। अब भूकंप में जो भूकंपीय तरंगे निकलती हैं, तो तरंगे ध्यान रखेंगे PSL, प्राथमिक द्वितीयक, और L सरफेस, है ना, यह सतही तरंगे भी कहा जाता है इन्हें, तो L जो है सतही तरंगे हैं, ये द्वितीयक या सेकेंडरी है, और P से प्राथमिक, कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो PSL ध्यान रखेंगे। ये भूकंप में ये तीन तरंगे जो हैं सिस्मोग्राफ के द्वारा इसे मापा जाता है, और L जो है ये सबसे भीषण होती है L तरंगे, इसी के कारण जो है सरफेस में जो भी हमको दिखाई देता है सब इसी के कारण दिखाई जा देता है। भूकंप घटना का की तीव्रता के मापन के लिए जो है रिचर स्केल है, कितना इंटेंसिटी का है, कितना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का है, उसकी तीव्रता क्या है, ये किससे नापी जाती है, तो रिचर स्केल से, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये 6.8 तीव्रता का आया था रिचर स्केल के अनुसार अगर देखें तो। अब सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र, तो लद्दाख का जो न्योमा क्षेत्र है ये दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र होने वाला है, भारत यहाँ पर निर्माण कर रहा है, कहाँ पर, लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाई क्षेत्र, लड़ाकू हवाई क्षेत्र बना रहा है, और ये लद्दाख के दक्षिणी क्षेत्र में न्योमा जो एक प्रमुख गांव है, समुद्र तल से लगभग 4,180 मीटर ऊंचाई पर है। जब 1962 में हम देखेंगे चीन के साथ युद्ध हुआ, उस समय इसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर बनाया गया था, तो ध्यान रखेंगे सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र बन रहा है ये न्योमा क्षेत्र में लद्दाख के। लद्दाख जो है अभी नई यूनियन टेरिटरी बनी हमारे यहाँ। बायोफ्यूल अलायंस, G20 हम पढ़ रहे हैं, G20 में कई सारी चीजें निकल कर आई हैं, उसी में एक आया है बायोफ्यूल अलायंस, तो भारत ने जो है स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है G20 या फिर G21 में जो है ग्लोबल फ्यूल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की है। बायोफ्यूल बेसिकली ऐसा फ्यूल है जिसको हम बनाएंगे पौधों से या अनाज से या फूड वेस्ट या एनिमल वेस्ट से इसका निर्माण करते हैं, और जैसे छत्तीसगढ़ में भी हम पढ़ते हैं तो जत्रोफा और ऐसे अन्य जो ट्री के नाम पढ़ते हैं, रतन जोत, ये सबसे भी जो इनका निर्माण होता है, तो बायोफ्यूल को कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है, और इसमें जो है कार्बन की मात्रा कम होती है, कार्बन की मात्रा कम होगी तो डेफिनेटली कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के निर्माण में जो है अमेरिका और ब्राजील और भारत के बीच में एक समझौता का करार हुआ है, तो ध्यान रखेंगे कौन कौन, अमेरिका, भारत और आपका ब्राजील, और वहीं पर देखें भारत ने बायोफ्यूल पॉलिसी कब बना ली, तो साल 2009 में ही जो है भारत ने अपनी बायोफ्यूल पॉलिसी बना ली है, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। आगे देखते हैं हम और क्या चीज, मथुरा कॉरिडोर के बारे में, मथुरा कॉरिडोर के बारे में देखते हैं हम, तो मथुरा कॉरिडोर में हम देखते हैं अयोध्या, जैसे हम लोग देख रहे हैं अयोध्या में, काशी में, उज्जैन में, कई जगह जो है कॉरिडोर बनाकर भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया, तो वैसे ही अब जो मथुरा, मथुरा में भी जो है
5 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। मथुरा जो है कृष्ण जी से संबंधित है और ये पर्यटन स्थल का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में जो है इसका निर्माण होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे अयोध्या, काशी और तीसरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ पर? आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे आगे देखते हैं हम। नाश्ता प्रदाय कार्यक्रम, आज का न्यूज़पेपर अगर देखे होंगे तो बड़ी अच्छी नाश्ते की फोटो बनी हुई थी। तो तमिलनाडु और त्रिपुरा के बाद जो है अब छत्तीसगढ़ भी जो देश का तीसरा, याद रखेंगे तमिलनाडु और त्रिपुरा के बाद तीसरा ऐसे देश होगा। मिड डे मील तो पहले से ही प्रोवाइड कराई जाती थी, अब जो है नाश्ता भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। नारायणपुर का जो बखुरा पारा करके एक गांव है जहां पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में, यहां पर बच्चों को जो है अब सुबह नाश्ता भी दिया जाएगा, पौष्टिक नाश्ता, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये नारायणपुर में जो है सुबह का नाश्ता देने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जिला बन गया है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे नारायणपुर का बखरू पारा में। ठीक है, और इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन नीति आयोग और डीएमएफ के द्वारा किया जा रहा है। डीएमएफ फंड जो होता है उसके द्वारा इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। आगे देखते हैं वीरांगना रमोतिन माड़िया। तो ये जो है माड़िया जनजाति की महिला थी और इनका जन्म नारायणपुर के छोटे डोंगर के गांव घूर बेड़ा के कोराम परिवार में कब हुआ था? 1887 में हुआ था। और ये जो है इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है 1910 से 11 के बीच में अत्याचार के विरुद्ध में जो भूमकाल विद्रोह हुआ था, इसमें जो है इन्होंने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है 17 मई 1911 को भूमकाल की लड़ाई के दौरान हो गई। तो इनके मेमोरी में जो है नारायणपुर जिले में वीरांगना रामोतिन माड़िया कन्या महाविद्यालय जो है इसमें इनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। तो कौन थी ये, तो ध्यान रखेंगे, और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन जो हुआ इसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी, वीरांगना रमोतिन माड़िया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो खत्म यहाँ पर हमारा, लगभग हमने देखा क्या कब से कब तक का, तो 5 से 12 सितंबर के बीच में क्या प्रमुख करंट मुद्दे हुए, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। आने वाले समय में जो है अगले हफ्ते का वीडियो अपलोड हो जाएगा, साथ ही जो है हमारा करंट के साथ एक जो है जिला दर्शन का भी वीडियो सीरीज चल रहा है, उसे आप जरूर देखिए। और जल्द ही जो है हम कुछ लेक्चर्स लेके आने वाले हैं, खास तौर पर किसके लिए, तो हमारी जो अभी परीक्षा आने वाली है लेबर सॉरी माफ कीजिएगा सहकारिता विभाग की, उसके लिए कुछ वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो तब तक के तैयारी करते रहिए, और तैयारी और स्ट्रांग करनी है तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी और अच्छी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।